हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, ये जो वीडियो है ये शादी के दिन का सेकंड पार्ट है, जब दुल्हन के घर पे बारात गई थी। तो यहाँ पर दूल्हे को इस तरीके से केल्टी के पास खड़ा किया हुआ है, क्योंकि जो रशिका के मम्मा है यानी कि सुभाष के सास, तो वो आकर यहाँ पे दूल्हे का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। पूजन के बाद दूल्हे को ले जाते हैं एक बार पहले कमरे में, क्योंकि वहाँ पर श्यान के पास थोड़ी बहुत पूजा होती है, और उस पूजा के साथ साथ उसके बाद होती है वरमाला। ये होगी हमारी ब्राइड की एंट्री। आओ जी मैम, आइए प्लीज, आ जाओ आ जाओ आप। दादा की मिलती है, दो हाथ दो जी। खुद गाओ बचपन का प्यार तो जो कन्यादान और गुदराचार का मोमेंट है वो माता पिता और दुल्हन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। उसके बाद फेरे शुरू हो जाते हैं। हमारे पहाड़ों की शादी में फेरों के बाद सिंदूरदान और मंगलसूत्र पहनाना, ये सब रस्में होती है।
यहाँ पर भाई जो है हाथ में खिल्ली डालता है और दूल्हा दुल्हन उसको अग्नि के लिए समर्पित करते हैं। ये देखो ऐसे इस तरीके से खिल्ले डालते हैं और ये दूल्हा और दुल्हन दोनों इस तरीके से फेंक देते हैं। ये दोनों तो ऐसे लग रहा है जैसे कुश्ती खेल रहे हैं। आपको मैंने मान दिया है, आपके पिता संबंधियों ने आपको मुझे दे दिया है, उठो मेरे काम करने की बैठो और अपनी भाव बनो। आपके मन में यदि कोई बात है मुझे कहो। कन्या ने आपको क्या बोला? ना दाने बहता ना जाओ अभी नहीं डालेंगे, बोलेंगे ना, जब बोलेंगे जब बोलेंगे यहाँ यहाँ आगे से डालना पीछे तक ना सीधे हाँ यहाँ से डालना पीछे तक जब बोलेंगे। बुक कर दियो ठीक है। Yeah.
ओम तिलकम समर्पयामि। ओम हरि ओम हरि ओम शांति। तो यहाँ विदाई की तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ जो रशिका के मम्मा है वो अब इन दोनों की पूजा करेंगे और उसके बाद दुल्हन की विदाई हो जाएगी। विदाई होने के बाद मामा इस तरीके से दुल्हन को उठाकर ले जाते हैं और रशिका के घर से थोड़ा ऊपर चलना पड़ता है, लेकिन इसको चलने ही नहीं दिया। इसके सब जितने भी मामा जी थे उन्होंने उठाकर इसको ऊपर तक लाया था। तो जी अब मिलते हैं सीधा जाकर घर पर ही, क्योंकि जो इसके बाद वाला पार्ट है वो आएगा दुल्हन के गृह प्रवेश और जो भी वधु प्रवेश वगैरह है उन सब चीज़ों पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।